दोस्तों अभी Hyundai Creta की NCAP रेटिंग हुई थी और इस गाड़ी ने 3 स्टार रेटिंग स्कोर करी है और वो भी ग्रेस मार्क्स से स्कोर करी है। वैसे इस गाड़ी की 2 स्टार रेटिंग होनी थी और इसे छोटी गाड़ी जिसका नाम है अर्बन क्रूजर उसने 4 स्टार रेटिंग स्कोर करी है और उससे और छोटी गाड़ी जिसका नाम है टाटा पंच उसने 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है। तो इसमें फिर मैंने सोचा कि जो XUV700 है या फिर जो टाटा पंच है उनमें ऐसा अलग सा कौन सा लो है कि उनमें 5 स्टार रेटिंग है और वही जो Hyundai Creta है जो कि सेम दिखती है उसमें 3 स्टार रेटिंग है। तो अगर आपने कोई भी ग्लोबल NCAP की क्रैश टेस्ट रेटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको दिखा होगा कि कोई भी गाड़ी जिसका क्रैश हो रहा है उसमें सामने 2 एडल्ट वाली डमीज को बिठाया जाता है और पीछे 2 बच्चों वाली डमीज को बिठाया जाता है और जो सामने की 2 डमीज है उन्हें आप कह सकते हैं कि इस वाले पूरे क्रैश टेस्ट के हीरोज हैं, क्योंकि इन्हीं 2 डमीज से गाड़ी की जो 90% सेफ्टी रेटिंग है वो डिसाइड करी जाती है। जिसमें मान लो कि कोई भी गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल एस्प्रेसो की, तो जो NCAP वाले वो क्या करेंगे कि इन 2 डमीज को लेंगे और जो गाड़ी की सामने वाली सीट है उनमें इन दोनों को बिठा देंगे, जैसे एक नॉर्मल इंसान बैठता है वैसे बिठा देंगे, और जो सीट बेल्ट है उसे बांध देंगे। जो डमीज होती है इनका जो वेट होता है, जो इनके बॉडी पार्ट्स का साइज होता है और साथ ही में जो इनकी हाइट विड्थ वगैरह होती है एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन के हिसाब से बनाई जाती है। और ये जो NCAP वाली डमी होती है इसे मेनली 6 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करा गया है NCAP के द्वारा एक गाड़ी की सेफ्टी को असेस करने के लिए, जो कि है हेड, सेकंड है नेक, थर्ड है चेस्ट, फोर्थ है नी, फिफ्थ है लोअर लेग और सिक्स्थ है फुट। तो ये इंसान के 6 मेजर बॉडी पार्ट्स हैं जो कि सबसे मेजरली हर्ट होते हैं किसी भी एक क्रैश में गाड़ी के, और फिर जो गाड़ी है उसे टेस्ट करा जाता है उसका क्रैश करके। और जो ग्लोबल NCAP है मेनली 2 मेजर क्रैश टेस्ट करते हैं, जो कि फ्रंट कोलैप्स वाला, इसमें गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आर पे ऐसे एकदम ठा करके मारा जाता है एक दीवार पे और देखा जाता है फिर जो अंदर के डमीज हैं उनको कितना ज्यादा इंपैक्ट आया है। और फिर जब एक गाड़ी का फ्रंट क्रैश करते हैं और वो फ्रंट क्रैश में गाड़ी एटलीस्ट 4 स्टार की रेटिंग स्कोर कर लेती है तभी उस गाड़ी की साइड इंपैक्ट वाली क्रैश रेटिंग होती है। तो अगर कोई गाड़ी है मान लो एस्प्रेसो जिसने फ्रंट इंपैक्ट में 0 स्टार रेटिंग स्कोर करी है तो उसको साइड इंपैक्ट वाली रेटिंग में भेजेंगे नहीं, उसे पहले डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसके लिए। और तभी अगर आप देखें तो जो ग्लोबल NCAP की वीडियो होती है उसमें सिर्फ जो 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियां होती है उन्हीं का साइड इंपैक्ट दिखाया जाता है, फॉर एग्जांपल XUV700, टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन। और वही अगर आप Hyundai Creta देखो जिसकी 3 स्टार रेटिंग है तो उसकी पूरी जो वीडियो है उसमें कोई भी साइड इंपैक्ट दिखाया नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी पहले डिस्क्वालीफाई हो गई थी फ्रंट इंपैक्ट में, मतलब इसे पेपर देने नहीं दिया, पहले फेल कर दिया इसे। तो अब आते हैं कि जो ग्लोबल NCAP है वो रेटिंग देते कैसे है। तो उसके लिए ग्लोबल NCAP ने सबसे पहले क्या करा हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डमी है उसकी बॉडी को 6 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करा हुआ है असेसमेंट के लिए, और ये जो 6 डिफरेंट पार्ट है उनमें कितनी जोर का इंपैक्ट आया उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल जो हेड है उसके लिए जो क्राइटेरिया सेट करा हुआ है उसका नाम है HIC 15 या फिर हेड इंजरी क्राइटेरिया 15, जिसमें देखा जाता है कि क्रैश के 15 मिलीसेकंड में जब हेड कॉन्टैक्ट में आता है एयर बैग के तो उस वाले क्रैश में जो हेड है उसमें कितना इंपैक्ट आया 15 मिलीसेकंड में। और इसकी जो वैल्यू है ऐसा काफी वेरियंस वाली होती है, जिसमें अगर 700 के ऊपर की वैल्यू आ गई तो उसका मतलब कि काफी ज्यादा चांस है कि आपका सर फूट जाएगा, और अगर 500 के नीचे है तो मतलब आपका जो सर है एकदम सेफ रहने वाला है। फिर जो गर्दन है या फिर नेक है, और नेक से याद आया कि हमारे 5,72,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 6 लाख का एम है, 28,000 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो। तो पहले जाओ जाके सब्सक्राइब करो और उसके आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलो कर लिया ना, मुझे विश्वास है, विश्वास तोड़ना मत भाई। तो जो नेक है उसमें देखा जाता है कि जो नेक है उसमें कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है जब एक क्रैश हो रहा है, और ये टेंशन वो वाली टेंशन नहीं है जो कि आपको होती है जब आपकी 12वीं का एग्जाम हो रहा होता है, वो वाली टेंशन नहीं, टेंशन मतलब फिजिक्स वाली टेंशन, और एक किलो न्यूटन्स में मेजर करी जाती है। फिर जो चेस्ट है उसमें देखा जाता है कि जो चेस्ट है उसमें कितनी कंप्रेशन आई है जब इंपैक्ट हुआ है, और अगर जो कंप्रेशन है 22 मिलीमीटर से कम की होती है तो बहुत ही बढ़िया, गाड़ी बहुत ही सेफ है, और 42 मिलीमीटर के ऊपर होती है तो मतलब बहुत ही बेकार, आपकी चेस्ट फूटने वाली है इस गाड़ी में क्रैश के बाद। फिर जो नीज है उसमें देखा जाता है कि जो नीज है उसमें कितनी कंप्रेशन आई है जब क्रैश हुआ है, और अगर जो कंप्रेशन है वो 6 मिलीमीटर के आसपास का होता है बहुत ही बढ़िया, गाड़ी बहुत ही सेफ है, और वही अगर 15 मिलीमीटर के ऊपर होता है या फिर उसके आसपास होता है तो बहुत ही बेकार, आपके घुटने भी टूटने वाले है। और लास्ट में फुट, जिसमें क्या करते हैं ग्लोबल NCAP वाले कि जो डमी का पैर है उसे एक्सीलेटर वाले पेडल पे रख देते हैं, और जब फिर क्रैश होता है देखते हैं कि जो वो पैर है पेडल से कितना दूर या फिर कितना डिस्प्लेस हो गया है, और अगर जो डिस्प्लेसमेंट है 100 मिलीमीटर के आसपास की होती है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वही अगर जो डिस्प्लेसमेंट है 200 मिलीमीटर के पार होती है या फिर उसके आसपास होती है तो बहुत ही बेकार है, आपका पैर भी टूटने वाला है क्रैश के बाद। और फिर ये सारे असेसमेंट करने के बाद ये जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं इनके लिए डिफरेंट पॉइंट दिए जाते हैं गाड़ी को, जिनकी रेंज होती है 0 से लेकर 4 तक, जिसमें अगर बहुत ही बेकार रेटिंग आई है किसी पार्ट की, मान लो जो हेड है एकदम फूटने वाला क्रैश के बाद, तो उस वाले पार्ट के लिए जो गाड़ी है उसे 0 पॉइंट्स की रेटिंग मिल जाएगी, और वही अगर आप मान लो कि जो चेस्ट है उसमें बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं आई क्रैश के वक्त तो उस वाले पार्ट के लिए जो गाड़ी
गाड़ी है उसे 4 पॉइंट्स की रेटिंग मिल जाएगी। और तभी अगर आप कोई भी ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट देखें तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में दो डमीज बनी होती है, जिसमें एक डमी के सामने एक स्टेयरिंग व्हील बना होता है जो कि ड्राइवर के लिए है, और सेकंड डमी ऐसे ही होती है जो कि को पैसेंजर के लिए है। और अगर आप ये डमीज देखो तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर हो रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है, रेड जो कि बहुत ही बेकार होता है, ब्राउन जो कि ठीक ठीक होता है, या फिर येलो जो कि अबव एवरेज होता है। तो अगर आप असलियत में देखो तो ये जो बॉडी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हो रखा है, मेजरली यही असेस करता है कि जो गाड़ी है उसकी क्या क्रैश टेस्ट रेटिंग होने वाली है। पर दोस्तों आपको लगा होगा कि यही पे जो गाड़ी की रेटिंग है एसएस हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको भ्रम हुआ है। जिसमें अब ग्लोबल एनकैप क्या करते हैं कि जब पॉइंट दे दिए उसके बाद एक नई चीज आती है जिसका नाम है मॉडिफायर। और इसका मतलब क्या है कि मान लो कि कोई भी गाड़ी क्रैश हो रही है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंस में क्रैश होगी, और ऐसा तो है नहीं कि जैसे ग्लोबल एनकैप क्रैश करे वैसे एग्जैक्टली होगी। और वही जो हर एक बंदा है जो कि उस गाड़ी में होगा एक क्रैश के वक्त, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। कोई ऐसे बहुत ही मोटा सा हो सकता है डॉक्टर हाथी की तरह, कोई ऐसे बहुत ही पतला सा हो सकता है नोबिता की तरह। तो यही जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी डिफरेंट होने वाली है या फिर जो क्रैश है वो डिफरेंट हो सकता है, उसमें कई और से इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो उसी को असेस करने के लिए जो ग्लोबल एनकैप है मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो दूसरे वेरिएबल है जो कि क्रैश को इफेक्ट कर सकते हैं उसको काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रैश हो रहा है और जो गाड़ी का दरवाजा है वो खुल जाता है तो जो गाड़ी है उसके -1 पॉइंट हो जाते हैं। अगर जो गाड़ी है वो क्रैश करती है और उसका जो फ्यूल टैंक है वो लीक कर जाता है फिर एक और -1 पॉइंट हो जाता है। मान लो कि जो डमी है उसका जो सर है वो डैशबोर्ड से टकरा जाता है फिर एक और -1 पॉइंट हो जाता है। अगर एयरबैग सही से खुला नहीं है तो एक और -1 पॉइंट हो जाता है। और ऐसे बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है जो कि इफेक्ट करते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस को, जो कि मैं आपको सारे नहीं बताने वाला, बोर हो जाओगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो गाड़ी का फ्रंट इंपैक्ट है उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग खत्म होती है, और फिर जो गाड़ी है उसे मैक्सिमम 16 पॉइंट मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद जो भी उसे पॉइंट मिलते हैं ठीक है। फिर दोस्तों मान लो कि जो फ्रंट इंपैक्ट है उसमें काफी तगड़ी रेटिंग आती है और जो गाड़ी है उसे साइड इंपैक्ट रेटिंग के लिए भेजा जाता है, फिर उस गाड़ी की दोबारा सारी असेसमेंट होती है जैसे फ्रंट वाले में हुई है और उसे दोबारा 16 में से पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो गाड़ी के टोटल पॉइंट बन गए 32, जिसमें फ्रंट इंपैक्ट के 16 पॉइंट है और साइड इंपैक्ट के 16 पॉइंट है, तो 32 बन गए, लेकिन चाहिए होते 34। तो अब आप सोचोगे 2 पॉइंट कहां से लाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट होते हैं वो है सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए, जिसमें अगर सामने वाला जो ड्राइवर है उसके लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर है तो आधा पॉइंट मिल जाएगा गाड़ी को। अगर जो को ड्राइवर है उसके लिए भी सीट बेल्ट रिमाइंडर है उसके लिए आधा पॉइंट और मिल जाएगा, और अगर जो पीछे के ऑक्यूपेंट है उनके लिए भी सीट बेल्ट रिमाइंडर है तो 1 पॉइंट और मिल जाएगा, टोटल में 2 हो गए। तो अब जो गाड़ी है पूरा उसका पेपर खत्म होता है, वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह सब हो चुका है, और जो ये सारे पेपर थे इन सबको मिला के जो गाड़ी के टोटल मार्क्स आ सकते हैं मैक्सिमम वो 34 है, और अगर ऐसे बहुत ही डफर सी गाड़ी होगी तो उसके 0 भी आ सकते हैं। और फिर जो ये वाले मार्क्स होते हैं इनके बेसिस पे जो गाड़ी है उसे स्टार रेटिंग दी जाती है, जिसमें अगर गाड़ी के 0 मार्क्स है मतलब कुछ भी नहीं करके आई, फॉर एग्जाम्पल एस्प्रेसो, तो उसे 0 स्टार रेटिंग मिलने वाली है। अगर गाड़ी के मिनिमम 4 मार्क्स है 34 में से तो उसे 1 स्टार रेटिंग मिलने वाली है। अगर गाड़ी के 10 मार्क्स है 34 में से तो उसे 2 स्टार रेटिंग मिलने वाली है। अगर गाड़ी के 16 मार्क्स है 34 में से तो उसे 3 स्टार रेटिंग मिलने वाली है। अगर गाड़ी के 22 मार्क्स है 34 में से तो उसे 4 स्टार रेटिंग मिलने वाली है। और अगर गाड़ी के 27 मार्क्स है 34 में से तो उसे 5 स्टार रेटिंग मिलने वाली है, द अल्टीमेट रेटिंग। पर आप सोचोगे कि जो ग्लोबल एनकैप की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें 17 लिखा होता है मैक्सिमम, तो तू 34 कैसे बोल रहा है, तो 34 का हाफ क्या होता है? 34 का हाफ होता है 17, जिसमें मान लो कि 34 में से 4 मार्क्स चाहिए एक 1 स्टार रेटिंग के लिए, तो 17 में से 2 मार्क्स चाहिए होंगे एक 1 स्टार रेटिंग के लिए, बस बाकी सब कुछ सेम है। पर अगर आपको लगा कि यही पे रेटिंग खत्म होती है तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे जो ग्लोबल एनकैप है उसने थोड़े और क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं अगर आपको 3 स्टार के ऊपर की रेटिंग चाहिए, जिसमें अगर आपकी गाड़ी के 16 से ऊपर मार्क्स आते हैं 34 में से तो वो 3 स्टार के लिए एलिजिबल है। पर इसके आगे उस गाड़ी में एज एन ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलना चाहिए, मतलब जो कंपनी है किसी भी वेरिएंट में ऑफर कर सकती है, जरूरी नहीं है बेस मॉडल में आए। और सेकंड जो गाड़ी है उसमें पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जिसमें जो गाड़ी का बोनेट है वो खुल जाता है जब एक इंपैक्ट होता है। तो अगर ये जो 2-3 क्राइटेरिया और है जो कि गाड़ी फुलफिल करती है तो उसे 3 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी। पर दोस्तों अगर आपको थोड़ा और ऊपर जाना है, आपको 4 स्टार रेटिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा और कठिन परिश्रम देना पड़ेगा, जिसमें 4 स्टार में जो गाड़ी है उसमें साइड एयरबैग एज एन ऑप्शन होना चाहिए उसके किसी भी वेरिएंट में। तो मान लो कि बेस वेरिएंट की टेस्टिंग हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी का कोई भी वेरिएंट होना चाहिए जिसमें साइड एयरबैग्स हो, फिर जो गाड़ी है वो 4 स्टार रेटिंग अचीव कर सकती है। और दोस्तों अगर आपको 5 स्टार रेटिंग चाहिए जो कि एकदम पिनिकल होता है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी है उसमें मिनिमम 27 मार्क्स तो होने चाहिए 34 में से, ये तो है ही। साथ ही में जो गाड़ी है उसमें आपको सारे जो फीचर है फॉर एग्जाम्पल ESC वगैरह ABS वगैरह वो होने चाहिए, और साथ ही में जो गाड़ी है उसकी साइड क्रैश टेस्ट रेटिंग भी होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जोन सी गाड़ी फ्रंट क्रैश टेस्ट में बढ़िया रेटिंग लाती है उसके बाद ही उसे साइड इंपैक्ट वाले टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो यही इसमें स्टोरी कुछ हो रही है। और फिर ये जो सारा परीक्षा
स्पेक्ट्रम है, इसे पास करने के बाद जो गाड़ी है उसे 5 स्टार की रेटिंग मिलती है, और जितना हमें आसान लगता है उतना है नहीं भाई है। और जो बच्चों वाली रेटिंग है या फिर चाइल्ड ऑक्यूपेंट रेटिंग है उसमें भी पूरी बड़ी स्टोरी है जो कि आपको कभी बाद में बताऊंगा, ये वीडियो वरना 50 मिनट की बन जाएगी। तो अब दोस्तों सोचने की बात है कि जो अर्बन क्रूजर है उसे ज्यादा क्यों रेटिंग मिली है एज कम्पेयर टू ह्यूंडई क्रेटा। तो इसके लिए दोस्तों जो अर्बन क्रूजर है और जो ह्यूंडई क्रेटा है उनकी जो ड्राइवर वाली डमी की क्रैश रिपोर्ट है आपके सामने आ रही है, जिसमें अगर आप ह्यूंडई क्रेटा देखो तो उसमें आपको ग्रीन सिर्फ एक जगह पे मिलता है जो कि उसका नेक है, और वही जो अर्बन क्रूजर वाली डमी है उसके हेड में, उसके नेक में, उसके दोनों फीट में आपको ग्रीन रेटिंग मिलती है, मतलब गुड रेटिंग है। जो क्रेटा वाली डमी की चेस्ट है उसमें आपको ऑरेंज रेटिंग मिलती है, मतलब इसमें इस वाली जगह में मार्जिनल सेफ्टी है, और वही जो अर्बन क्रूजर है उसकी जो डमी है उसकी चेस्ट में आपको ऑरेंज रेटिंग मिलती है, मतलब आपको एडिक्वेट सेफ्टी मिलती है उस वाले पोर्शन में। जो ह्यूंडई क्रेटा की डमी के पैर है वो पूरे आपको लाल मिलते हैं, मतलब बिल्कुल भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती उनके पैरों में, और वही जो अर्बन क्रूजर वाली डमी है उसके पैरों में आपको ग्रीन कलरिंग मिलती है, मतलब आपको गुड प्रोटेक्शन मिलती है अर्बन क्रूजर में अगर आप बैठे हैं आपके पैरों में। तो दोस्तों यही डिफरेंस है अगर आप कंपेयर करें दोनों कार्स को, और इसी की वजह से जो ह्यूंडई क्रेटा है उसको 3 स्टार रेटिंग मिली है वो भी बेयरली, और जो अर्बन क्रूजर है उसको 4 स्टार रेटिंग मिली है जो कि वो डिजर्व करती है। फिर दोस्तों मैं आपको एक और चित्र दिखाता हूँ जो कि आपका दिमाग फाड़ देगा, जिसमें ह्यूंडई क्रेटा और XUV700 की जो डमीज है उनकी रिपोर्ट आ रही है, जिसमें अगर आप ह्यूंडई क्रेटा देखें तो उसमें आपको सिर्फ 3 बॉडी पार्ट में जो कि हेड है, नेक है, और जो राइट वाली लोअर लेग है उसमें आपको सिर्फ एडिक्वेट से ऊपर प्रोटेक्शन मिलती है, और वही जो XUV700 है उसमें आपको हर एक बॉडी पार्ट में आपको गुड प्रोटेक्शन मिलती है और सिर्फ 2 पार्ट्स में आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलती है। तो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों कार्स में, भाई दिमाग फाड़ने वाली बात है ये। तो हम ना मजाक में ले लेते हैं XUV700 या टाटा पंच की 5 स्टार रेटिंग, भाई सच में फर्क है दोनों कार्स में। और आपको ह्यूंडई क्रेटा और सेल्टोस की भी रेटिंग कंपेयर करके दिखा देता हूँ, जिसमें अगर आप ऊपर से देखें दोनों गाड़ियों की एक्जैक्टली सेम रेटिंग है, लेकिन जो सेल्टोस है उसमें आपके पैर थोड़े ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू ह्यूंडई क्रेटा, और तभी उसकी 8.03 की रेटिंग थी, इसकी 8.0 की रेटिंग है। तो जो ह्यूंडई क्रेटा है वो सेल्टोस से भी ज्यादा अनसेफ है। हम बेइज्जती कर रहे थे सेल्टोस की, भाई क्रेटा था उससे भी बेकार निकली। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।